सी करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो आपको आपकी ईवीएस की बुक में लिखना है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। Answer the following questions. यानी कि question answer इसमें first number है number 1 वो मतलब हम सबको किसकी जरूरत है व्हाट डू वी ऑल नीड किसकी जरूरत है हम सबको व्हाट डू वी ऑल नीड तो हमें किसकी जरूरत है हम सबको घर की जरूरत है तो आंसर है वी ऑल नीड अ हाउस किसकी जरूरत है हमें घर की तो वी ऑल नीड अ हाउस क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू वी ऑल नीड मतलब हमें किसकी जरूरत है तो आंसर है व्हाट मतलब क्या किसकी जरूरत है हमें तो हमें आंसर लिखना है वी ऑल नीड अ हाउस तो क्वेश्चन ऐसे आपको आंसर कैसे लिखना है कि क्या जरूरत है तो हम सबको क्या जरूरत है तो वी ऑल नीड अ हाउस आपको क्या याद रखना है सिर्फ अ हाउस याद रखना है बाकी तो आपको क्वेश्चन में से देख के लिखना है कि क्या जरूरत है वो मतलब क्या क्या चाहिए हमें किसकी जरूरत है तो हमें किसकी जरूरत है हाउस की तो उसका आंसर क्या आएगा हाउस तो हमें क्या किसकी जरूरत है तो वी ऑल नीड अ हाउस हमें हाउस यानी कि घर की जरूरत है व्हाट डू वी ऑल नीड तो आंसर है वी ऑल नीड अ हाउस हमें घर की जरूरत है क्वेश्चन है व्हाट डू वी ऑल नीड किसकी जरूरत है हमें तो आंसर है वी ऑल नीड अ हाउस मतलब हमें घर की जरूरत है क्वेश्चन है व्हाट डू वी ऑल नीड आंसर है वी ऑल नीड अ हाउस नेक्स्ट है नेम वन थिंग our home protects us from मतलब किसी एक थिंग का नेम लिखना है किसी एक का जो जिससे हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है तो हमारा घर हमें किससे प्रोटेक्ट करता है तो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन रेन कोल्ड तो हमें किसी एक का ही नेम लिखना है तो आंसर इज S-U-N सन नेम वन थिंग आवर होम प्रोटेक्ट अस
what do we all need, हमें किसकी जरूरत है, तो answer है we all need a house, हमें घर की जरूरत है. Second number है name one things our home protects us from, इसे एक thing लिख के name लिखना है जिससे हमारा घर हमें बचाता है, तो हमारा answer है sun से हमें हमारा घर बचाता है, तो second का answer है sun. सेकेंड क्वेश्चन लिखने के बाद आपको थर्ड नंबर में एक कंप्लीट करना है. एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है का नेम.
क्या आएगा? लिविंग रूम. आंसर इज लिविंग रूम में हम बैठ के अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बात करते हैं. तो क्वेश्चन है नेम द रूम वेयर वी सिट एंड टॉक विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो कौन से रूम में बैठ के हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बातें करते हैं? तो आंसर है लिविंग रूम. की उस रूम लिविंग रूम में बैठ के हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बात करते हैं. तो क्वेश्चन है नेम द रूम वेयर वी सिट एंड टॉक विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो आंसर है लिविंग रूम, जहाँ पर बैठ के हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्या करते हैं? बातें करते हैं. नेम द रूम वेयर वी सिट एंड टॉक विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. आंसर इज लिविंग रूम. नेक्स्ट डे इन विच रूम In which room do we eat? मतलब हम कौन से रूम में बैठ के खाना खाते हैं? In which room do we eat? In which room do we eat? मतलब हम कौन से रूम में बैठ के खाना खाते हैं? इन विच रूम डू वी ईट. तो कौन से रूम में बैठ के खाना खाते हैं हम? कौन सा रूम? उस रूम को क्या कहते हैं जिस रूम में बैठ के हम खाना खाते हैं? तो उस रूम को हम क्या कहते हैं? डाइनिंग रूम. तो कौन से रूम में खाते हैं बैठते हैं हमें बैठ के खाना खाते हैं? तो आंसर इज वी ईट इन द डाइनिंग रूम. कौन से रूम में खाना खाते हैं? तो वी ईट इन द डाइनिंग रूम. क्वेश्चन है इन विच रूम डू वी, मतलब हम कौन से रूम में बैठ के खाना खाते हैं? तो आंसर है वी ईट इन द डाइनिंग रूम. उस रूम का नाम क्या है? उस रूम में हम बैठ के खाना खाते हैं, उस रूम का नाम है डाइनिंग रूम. क्वेश्चन है इन विच रूम डू वी ईट, आंसर है वी ईट इन द डाइनिंग रूम. कौन से रूम में बैठ के हम खाना खाते हैं? इन विच रूम डू वी ईट, आंसर है वी ईट इन द डाइनिंग रूम. इन विच रूम डू वी ईट, आंसर है वी ईट इन द डाइनिंग रूम. क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर का नेम द रूम वेयर वी सिट एंड टॉक विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. क्या है क्वेश्चन? नेम द रूम वेयर वी सिट एंड टॉक विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. आंसर है लिविंग रूम. आंसर क्या है? लिविंग रूम में बैठ के हम फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बात करते. तो हमारा आंसर है लिविंग रूम. नेक्स्ट है इन विच रूम डू वी ईट, कौन से रूम में खाना खाते हैं? In which room do we eat? खाना कौन से रूम में हम खाते हैं? In which room do we eat? तो आंसर है we eat in the dining room. We eat in the dining room. हम डाइनिंग रूम में बैठ के खाना खाते हैं. तो we eat in the dining room. In which room do we eat? आंसर है we eat in the dining room.
Name the room where we sit and talk with friends and family. Answer A, living room. Next day, in which room do we eat? कौन से रूम में खाना खाते हैं? तो answer A, we eat in the dining room. We eat in the dining room. Name the room where we sit and talk with friends and family. Answer is living room में हम बैठ के friends और family के साथ बातें करते हैं. Next day, in which room do we eat? Answer A, we eat in the dining room. तो ये question answer आपको आपकी EBS की book में लिखना है. लास्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड वी कीप आवर होम, हाउ शुड वी our home neat and clean. हमें हमारे घर को एकदम neat and clean यानी कि एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए. तो how should we keep our home? Answer A, we should keep our home neat and clean. यानी कि हमें हमारा घर को एकदम क्लीन रखना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए. तो क्वेश्चन है, हाउ शुड वी कीप अवर होम? आंसर इज, वी शुड कीप अवर होम नीट एंड क्लीन. लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ शुड वी कीप अवर होम? आंसर इज, वी शुड कीप अवर होम नीट एंड क्लीन. कैसे रखना चाहिए हमें हमारे घर को? हाउ शुड वी our home? Answer is, we should keep our home neat and clean. How मतलब कैसा? तो हमें how के बदले में answer क्या लिखना है? Neat and clean. तो आपको question में से क्या देख के लिखना है? First आपको क्या लिखना है? We fit should keep our home. Answer is neat and clean. तो आपको question में से ही answer देख के लिखना है. कैसे लिखना है question में से? क्या देख के लिखना है? तो आपको we should keep our home. Answer क्या है? Of neat and clean. तो ऐसे आपको question में से आधा answer तो question में से देख के लिखना होता है. How मतलब कैसा रखना है हमें घर को? तो उसका answer how मतलब कैसा रखना है? तो उसका answer हमारा है neat and clean. तो वो हमें नहीं लिखना है answer में. क्या लिखेंगे? We fit should keep our home. अब हाउ कैसा रखना है? तो नीट एंड क्लीन. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर
कंप्लीट होता है कि क्वेश्चन क्या है, हाउ शुड कीप अवर होम, तो आंसर है वी शुड कीप अवर होम नीट एंड क्लीन. हाउ शुड वी कीप अवर होम, आंसर है वी शुड कीप अवर होम नीट एंड क्लीन. किचन में क्या है, किचन में है प्रेशर कुकर एंड
नंबर 153 पे ही करना है, ईवीएस की फेयर बुक में नहीं करना है। ओके, सिर्फ टर्म बुक में ही आपको ये करना है। तो नाउ टुडे इज योर होमवर्क इज, आज का आपका होमवर्क है जो हमने एक्सरसाइज में लेसन नंबर 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 किया, जो है हमारे क्वेश्चन आंसर। राइट इन योर ईवीएस बुक 1। ओके, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो हमने फाइल किए पहले, आपको इसके पहले के वीडियो में मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकेंड एक्सरसाइज चूज द करेक्ट आंसर एंड ट्रू फॉल्स, पहले आपको वो लिखना है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन आंसर जो आज हमने फाइल किए वो आपको आपकी ईवीएस की फेसबुक में 1 टाइम ही लिखना है। वही आज का आपका होमवर्क है। अगर आपकी की एक्सरसाइज आपकी फेसबुक में नहीं हुई है तो पहले वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। और आज का आपका होमवर्क है लेसन नंबर 2 के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आंसर जो आपको आपकी ईवीएस की बुक में 1 टाइम लिखना है। और ये जो है ये सिर्फ टर्म बुक में ही करना है, ये आपको फेयर बुक में नहीं करना है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर तक, यानी कि आपको सेकेंड लेसन में क्या क्या ईवीएस में करना है, फर्स्ट हार्ड वर्ड लिखना है, एक ही टाइम लिखना है, फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आंसर जो आपको आपकी ईवीएस की फेयर बुक में कर लेना है। तो आज का आपका होमवर्क है लेसन नंबर 2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 जो आज आपने हमने किया क्वेश्चन आंसर, वो आपको 1 टाइम आपकी ईवीएस की बुक में लिखना है। ओके, थैंक यू। We'll be right back.